तपस्या त्याग की धरती चित्तौड़गढ़ को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जहां हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती अग्नि में जौहर कर दिया, जहां के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जहां महाराणा प्रताप के शौर्य का भाला आज की युवा पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है। ऐसी धरती पर जब भी किसी के पांव पड़े तो सम्मान में सिर झुकना तो आम बात है। मैं तो ऐसी भूमि से प्रेरित होकर सदा बार बार जाता हूं, जब जब सीपी जोशी जी बुलाते हैं मैं कभी कोई ऐसा मौका नहीं चूकता कि चित्तौड़ की धरती पर मुझे वापस आने का अवसर मिले। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र युवा मोर्चा के भी साथी, भाई मंच संचालन करने वाले के समय तो चलता है, जो मंच संचालन कर रहे था मेरा भाई हरमन जी ने इसका बस ऐसे छोड़ दे। मंच संचालन करने वाले के हाथ में सब कुछ होता है। सम्मानित मंच, मेरे बहुत ही लोकप्रिय सांसद यहां के और मेरे प्रिय मित्र भाई सीपी जोशी जी, उपस्थित सभी प्रिय खिलाड़ियों, चित्तौड़ के सभी मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो चित्तौड़ की जनता को एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जो संगठन से लेकर सामाजिक कार्यों तक के लिए 2400 घंटे लगातार तैयार रहते हैं और जिन्होंने मुझे पिछली बार वॉलीबॉल के एक नेशनल चैंपियनशिप में यहां पर बुलाया, तब मैं वित्त राज्य मंत्री था, मेरे पास खेल विभाग नहीं था, लेकिन सीपी जोशी जी ने दिल से मांगा था कि यहां पर इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए और मैंने भी तब घोषणा की थी कि निश्चित तौर पर हम यहां पर इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। ना इनको पता था ना मुझे पता था कि मेरे पास खेल विभाग आएगा और आपके आशीर्वाद से खेल विभाग मिला, तो आज जहां केंद्र सरकार की ओर से 4.5 करोड़ रुपया मंजूर इंडोर स्टेडियम के लिए हुआ है, वहीं पर हमने स्थानीय तौर पर भी कुछ पैसा हम और इकट्ठा करके इसको और बड़ा करेंगे ताकि एक शानदार सुविधा जो आपके पूरे कॉम्प्लेक्स में 4 चांद लगाए हमारे खिलाड़ियों के लिए बनकर तैयार हो। किसी भी इंडोर सुविधा में 15 से 20 गेम्स को खेलने की सुविधा हो जाती है और वो आप यहां पर बैठकर तय कर लें कौन कौन सी गेम्स यहां पर होंगी, ताकि यहां पर खिलाड़ी केवल खेले नहीं भविष्य में देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने का काम भी हमारे चित्तौड़ के खिलाड़ी करें। आदरणीय सीपी जोशी जी ने यहां से मांग की है और इनकी मांग से ज्यादा जिन्होंने इनको घेरा पीछे से डालकर रखा था, कोई कहता था सिंथेटिक ट्रैक दे दो, कोई कहता था खेलो इंडिया का सेंटर दे दो, मैं आपके सामने एक नई चुनौती रख रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप एक साल के अंदर मुझे इंडोर स्टेडियम, एक साल क्या, चलो मैं इसको 14 महीने कर दिया, आप मार्च 2024 तक इसको बनाकर तैयार करो, आपका थेटिक ट्रैक भी मैं आपके लिए मंजूर कर देता हूं ताकि हम इसको बना सकते। मेरे भाई सीपी जोशी जी के क्षेत्र में खेलों की सुविधाओं में कोई कमी ना रहे ये मैं सुनिश्चित करूंगा, इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो खुद को आगे रखने का प्रयास करते हैं। मैं जितनी बार चित्तौड़गढ़ आया, चाहे ये युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थे, तब भी अपनी टीम को आगे करते थे कि भाई तुम आगे रहो, तुम सम्मान करो, तुम फोटो खिंचवाओ, तुम खाना खिलाओ, और सांसद बनने के बाद भी सभी माननीय विधायकों को भी, पूर्व विधायक जी को भी,
और अपने पार्टी के अध्यक्ष से लेकर आम कार्यकर्ताओं को भी कि आप आगे रहो। ये बहुत कम लोगों में गुण होता है कि पीछे रहकर बाकियों को आगे करने का, ये आपके सांसद में बहुत बड़ा गुण है। और कहीं ना कहीं ये समाज में से ही निकल कर आता है, क्योंकि आप में से ये सांसद चुनकर आए हैं, तो यहां की संस्कृति का, यहां के लोग कैसे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सीपी जोशी जी में देखने को मिलता है, जो यहां की संस्कृति से देखने को मिलता है। पर बहुत लंबा भाषण आज करने नहीं आया, लेकिन दो तीन बातें जरूर कहूंगा मित्रों, क्योंकि खेलों का कार्यक्रम है। भारत में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम उन खिलाड़ियों का, रहने का, भोजन का, उनके ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है, और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। अभी वो खेलते ही हैं, लेकिन 6 लाख रुपए जेब खर्च भी मिलता है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसके ऊपर खर्च किया। इस तरह से ही एक और स्कीम है, जहां हम खेलो इंडिया के अंतर्गत लगभग 3000 खिलाड़ियों को पूरे देश भर से चयनित करके सरकारी और गैर सरकारी एकेडमीज में उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी पर 6,23,000 रुपए से ज्यादा खर्चा आता है, और हर खिलाड़ी को, 3000 खिलाड़ियों को 10,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से, यानी कि साल का 1,20,000 रुपया अलग से दिया जाता है 3000 खिलाड़ियों को, और बाकी उनके ऊपर 6,23,000 रुपया साल का खर्चा ट्रेनिंग के ऊपर भी भारत सरकार वहन करती है। इसके अलावा हम देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं, जहां सेंटर खोलने के लिए एक पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया मिलता है, और सेंटर चलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया अलग से देते हैं, ताकि एक पूर्व खिलाड़ी को रोजगार भी मिल जाए और उभरते हुए खिलाड़ियों को अच्छा कोच भी मिल जाए। ये खेलो इंडिया सेंटर 1000 हम खोलने का काम कर रहे हैं। 750 से ज्यादा सेंटर्स हमने खोलने का काम कर दिया है, और 250 और जो बचे हैं उनको भी 15 अगस्त 2023 तक हम खोल देंगे, ताकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स मोदी सरकार देने का काम कर रही। इसमें सीपी जोशी जी ने कहा कि खेलो इंडिया सेंटर हॉकी का साथ लगते क्षेत्र में दें। मैं एक बार चेक कर लूंगा यहां पर कौन सा पहले दिया है, मुझे ऐसे याद नहीं है। अगर कोई और देने की ऑप्शन होगी तो अपने भाई के लिए मैं उसकी कमी भी कोई और खिलाड़ियों की कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुआ इन्होंने लंबा भाषण दिया, लेकिन शरण के अलावा बाकी और भी कोई होते तो 10-4 चीजें और मांग लेते हैं। लेकिन भाइयों, किसी ने अपने लिए नहीं, इन्होंने अपने यहाँ के युवा और खिलाड़ियों के लिए मांगा है। जब एक युवा सांसद आपने चुना है, तो युवा कार्यक्रम और खेल का मंत्री अगर भारत सरकार से आया तो आपके लिए कोई कमी भी नहीं छोड़ने वाले, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे खेलो इंडिया योजना चली, 2017 से लेकर 2021 तक का जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर लगभग 2600 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जहां पर प्रतिवर्ष 15,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं, और आज भी मुझे कुछ खिलाड़ी सुबह मिले जो इस साल मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने आ रहे हैं, और चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ी हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके यहाँ के खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में आगे आने का अवसर मिलेगा, और वो अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल जीतेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स और पूरे खेलो इंडिया स्कीम के लिए अब अगले 5 साल के लिए 3400 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने और मंजूर कर दिया, ताकि खेलों को और बढ़ावा दिया जा सके,
इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, फिट इंडिया मूवमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाई। हमने आजादी के अमृत महोत्सव पर फिट इंडिया मूवमेंट रन किया। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट रन में भाग लिया, फ्रीडम रन में भाग लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि लोग भागने के लिए, फिट रहने के लिए कितने जागरूक हैं। और साथ में फिट इंडिया मूवमेंट में एक नारा भी दिया है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यानी कि छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, आप सबको आधा घंटा अपने शरीर के लिए रोज फिटनेस करनी है। आप फिट रहेंगे शारीरिक मानसिक तौर पर तो अस्पताल पर भी बोझ कम पड़ेगा, आपकी